हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम संदीप, बॉटनी फैकल्टी. आई विल प्रोवाइड सम लेक्चर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ KVPY. तो KVPY के अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी के टू पार्ट्स होते हैं. वन इज द बॉटनी एंड अनदर वन इज द जूलॉजी. इन जूलॉजी वी डील्स अबाउट द एनिमल्स एंड इन बॉटनी वी डील्स अबाउट द प्लांट्स. तो आपने देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियोस, आपको जूलॉजी के वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने देखे भी होंगे. तो अब ये जो बॉटनी का पोर्शन है, इसके मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा. तो हमें काफ़ी सिंसियरली होकर उन वीडियो लेक्चर्स को देखना है जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो बॉटनी का है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. वो है हमारा सेल बायोलॉजी. तो चलो बेटा, अभी अपन स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी. आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, सेल बायोलॉजी. तो हम देखते हैं कि क्या होता है सेल बायोलॉजी, एंड इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या होती है. सेल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है सेल, व्हाट इज सेल. एक माइंड में जनरल क्वेश्चन आता है कि सेल होती क्या है. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. हर किसी की एक बेसिक यूनिट होती है. अगर अपन किसी भी एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई एक बेसिक यूनिट होगी. सपोज सबसे पहले एक ब्रिक होती है और ब्रिक्स के अरेंजमेंट से कंप्लीट एक वॉल बनती है, एंड देन वॉल चारों तरफ से कवर करके पूरा रूम बनता है. इसी तरीके से पूरे के पूरे बहुत सारे रूम्स कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं. ठीक उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं सेल. और अगर इसको कुछ और अच्छे से हम बोलना चाहें इसी डेफिनेशन को, कि आपसे कोई पूछता है सेल क्या है, सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर इसको कुछ अपन और ज़्यादा अच्छे से बोलना चाहें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म. तो इसको हम क्यों स्ट्रक्चरल बोलते हैं, क्यों फंक्शनल बोलते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि व्हाट इज द सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म. किसी भी लिविंग फॉर्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है. तो हमने ये तो देख लिया कि बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं हम इसको. तो इसमें हम देखते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड व्हाई इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फॉर्म. क्यों इसको हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं एंड क्यों हम इसको फंक्शनल बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. क्योंकि हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेस हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस डेफिनेशन से क्लियर होने वाली हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाई इट इज़ द स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. अब इसका भी कोई सीक्वेंस है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग इस तरीके से बनी है. तो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से बनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो बेटा सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर बनाया क्या, टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यू, एंड टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं. एंड ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड देन ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. ऑर्गेनिज्म
अरे कोई भी हो सकता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम सबका सीक्वेंस कुछ ऐसा ही होता है। सर ये टिश्यूज तो हमने नाम ही नहीं सुना बेटा, बहुत सारे तरह के टिश्यूज होते हैं। प्लांट टिश्यू प्लांट की बॉडी बनाएगा, एनिमल टिश्यूज हैं वो एनिमल की बॉडी बनाएंगे। तो ऑर्गन सर, ऑर्गन क्या होते हैं? हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, अगर हमारी बात करें। प्लांट भी लिविंग्स में आते हैं, उनके रेस्पेक्ट में हम बात करें तो उनकी लीव्स, फ्लावर्स जो भी हैं ये उनके ऑर्गन्स हैं। देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की बेटा हम बात करें, हमारी आपने जूलॉजी के लेक्चर्स में देखा होगा कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिटेल से पढ़ा, वो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, वो भी एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। एंड ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। सो वी कैन कॉल दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड वाई इट कॉल्ड फंक्शन। जो सेल होती है, अरे क्यों फंक्शनल? वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। बहुत सारे फंक्शंस क्या? सारे फंक्शंस ही सेल परफॉर्म करती है एक तरीके से हम देखें। कैसे सर? इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में ये सबने पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी एंड एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग फॉर्म के लिए। अब अपन थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, जो सेल है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की। अब अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जो सेल था फर्स्ट टाइम द डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कोर्क स्लाइसेस इन ईयर 1665। सबसे पहले जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की बेटा, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ईयर 1665 के अंडर उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सर डेड सेल को क्या होती है डेड सेल, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो बोटल्स होती हैं उनके ऊपर कुछ कॉर्क लगी हुई आती है। कॉर्क स्लाइसेस के अंदर उन्होंने क्या किया, उसकी एक थिन स्लाइस कट की, और उस थिन स्लाइस को कट करके स्लाइड के ऊपर जब उन्होंने देखा तो उन्हें डेड सेल ऑब्जर्व हुई। तो सर उन्होंने लिविंग क्यों नहीं देखी, पहले डेड ही क्यों देखी? बेटा उस वक्त इतने अच्छे मैग्निफिकेशन पावर के माइक्रोस्कोप्स नहीं थे जो बिल्कुल क्लियरली दिखा सकते हो कि सेल के अंदर एक्चुअली क्या है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहले उन्होंने सेल वॉल को देखा जो कि डेड है। अब आगे अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपने को यहाँ पे अपन देखना है कि सबसे पहले लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की। द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक। द फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल वॉज discovered by Anton von Leeuwenhoek। Anton von Leeuwenhoek ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। नोट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों अब अपन आगे डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बाद में। जो भी हमने डिस्कवरीज देखी सेल की, रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन लीवेनहुक के बारे में हमने देखा, अब अपन आगे देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे. द वन इज द, इसमें से अपन सबसे पहले नंबर वन देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड नंबर टू इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या डिफरेंस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर? यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन. तो हम इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ओनली सिंगल सेल है और वो अपनी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब सर ये वाइटल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आप बोल रहे हो ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, इधर आप बोल रहे हो सिंगल सेल के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़. वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, तो वो एक सेल से ही होती हैं. उसके अंदर एक ही सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अपने अंदर तो बहुत सारे सिस्टम बने हैं डाइजेशन के लिए, अपने पास में स्टोमक है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो है ही एक सेल कंप्लीट. अपने पास में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो है ही सिंगल यूनिसेलुलर एक ही सेल है. ओके, तो अपन देखते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड यहां पे देखते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब इनके अंदर सिंगल सेल के अंदर सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, इनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. एग्जांपल्स की हम यहाँ पे बेसिकली बात कर लेते हैं. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या हो गए? और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सारे के सारे जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके अंदर सिंगल सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वी आर. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जनरली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया. प्लीज नोट डाउन दिस. हाँ तो बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में. बेसिकली सेल थ्योरी थी क्या? कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया. एक थे हमारे मैथ्यू स्लीडन और एक थे हमारे थियोडोर स्वान.
एक इनमें से था बोटेनिस्ट एंड एक इनमें से था जूलॉजिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया. इट वॉज प्रपोज्ड बाय मैथ्यूज स्लीडन एंड थियोडोर स्वान. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया. ये जो इसमें से था ये तो था बेटा बोटेनिस्ट, वन इज द बोटेनिस्ट एंड थियोडोर स्वान इज द जूलॉजिस्ट. बॉटनी एंड जूलॉजी आर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इन बॉटनी वी डील्स अबाउट द प्लांट्स एंड इन जूलॉजी वी डील्स अबाउट द एनिमल्स. इसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं ये दोनों. तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया. इन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स बट एनिमल सेल इज डिफर फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल doesn't have cell wall. Animal cells के अंदर cell wall absent होती है and plant cells के अंदर cell wall जो होती है वो present होती है. इन्होंने ये बात बहुत ही clearly बताया कि जितने भी living organism हैं वो सारे के सारे microscopic units हैं, उनसे मिलके बने, जिसे हम क्या बोलते हैं, cell. बट प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम एनिमल सेल क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. हम सेल वॉल को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आगे. तो सेल वॉल का क्या फंक्शंस होते हैं अभी आपको ये इतना ध्यान रखना है. लेकिन ये एक बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. देन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो. ये जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी ये दी थी ईयर 1838 एंड 1839 के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. फिर 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो. इन 1855 रूडोल्फ विर्चो expanded the cell theory. इन्होंने आगे सेल थ्योरी को क्या किया बेटा, एक्सपेंड किया. और इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. और इन्होंने बताया कि एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, omnicellular
ई सेलुला, ओमनी सेलुला। ई सेलुला का मतलब है कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं प्री एग्जिस्टिंग से, और इन्होंने बोला कि जो न्यू सेल्स बनती हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से भी बनती हैं, जो सेल्स के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ओमनी सेलुला, ई सेलुला का मतलब यही होता है कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज हुई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। कैसे ये जो न्यू सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज हुई, अभी मैं आपको प्रूफ करता हूँ। ये एक बेटा सेल है, इसने डिवीजन शो किया तो इससे टू न्यू सेल्स बनी। सेल डिवीजन के अंदर आपको पता चलेगा टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, वन इज द माइटोसिस एंड अनदर वन इज द मियोसिस। माइटोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग, जो भी हमारे इंजरी होती है, कटफट होती है, तो वहाँ पे सेल्स वापस से डिवाइड करके उसको रिपेयर कर लेती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ओमनी सेलुला, ई सेलुला के अंदर ये ही बताया, रुडोल्फ विर्चियो ने बताया कि जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगी, फिर ये टू न्यू सेल्स बनाएंगी, फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगी, फिर ये टू न्यू सेल्स बनाएंगी। तो यहाँ पे अपन इसको डिस्कस करते हैं कि सपोज ये कोई सेल है, डिवीजन शो किया, दो न्यू सेल्स बनाई, इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, टू न्यू सेल्स बनाई। इसी तरीके से इन्होंने ये बात को एक्सप्लेन किया। प्लीज नोट डाउन दिस, नाउ वी विल प्रोसीड। हाँ तो बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं शेप ऑफ सेल्स। सेल शेप के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं क्या वो सारी एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी भी सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, जितने भी अलग अलग तरह की वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके बेसिस पे जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। So on the basis of their functioning, on the basis of their functioning, cells have different type of शेप्स, अलग अलग इनकी शेप्स हमें देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड एंड बाई कॉनकेव। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राउंड एंड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, या इसको हम डिस्कोइडल भी बोल सकते हैं, डिस्क शेप, डिस्कोइडल। तो ये इसका जो मैं अगर आपको एग्जांपल बताता हूँ तो ये होता है बेटा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है राउंड एंड बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव होती है। ये आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं बाइकॉनकेव कैसा होता है, या डिस्क शेप जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसी ऐसी इनकी शेप्स आपको देखने को मिलती है, किसकी, आरबीसी की। नेक्स्ट जो शेप आती है बेटा उसकी हम बात करते हैं राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल शेप, ओवल, राउंड एंड ओवल। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका जो एग्जांपल है वो होता है, इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ये है मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ये कैसी होती हैं? राउंड एंड ओवल शेप्ड होती हैं मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, अगर हम जैसे इसका कट सेक्शन लेते हैं लीफ का, तो उसमें जो हम मीजोफिल सेल्स की बात करते हैं तो राउंड एंड ओवल, कुछ ऐसी उनकी शेप आपको दिखाई देगी।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो की हम बात करते हैं, द थर्ड वन इज द लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग एंड नैरो की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। सबसे पहले हमारे माइंड में जो एग्जांपल आता है वो है कोलमनर एपिथेलियम सेल्स, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। कोलमनर एपिथेलियल की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, राउंड लॉन्ग एंड नैरो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लॉन्ग एंड नैरो जो सेल्स आपको देखने को मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, लॉन्ग एंड नैरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। इसका जो बेटा एग्जांपल है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड की जो बात करते हैं हम, इसका जो एग्जांपल है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल, नर्व सेल्स ये कैसी होती हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके की ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके से ही इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड मिलती हैं। इलोंगेटेड सेल्स की हम बात करते हैं तो वो हमें मिलेंगी कैसी, बिल्कुल इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो ट्रैकिड्स की होती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स। इसका जो एग्जांपल है वो है ट्रैकिड्स। इनकी जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, बिल्कुल इलोंगेटेड होती हैं। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर वाटर के कंडक्शन का काम करते हैं, तो ये सेल्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं। वाटर के अंदर वाटर का जो कंडक्शन है प्लांट्स के अंदर रूट से लेके लीव्स तक का, वो फंक्शन ट्रैकिड्स के थ्रू होता है। एंड लास्ट हम बात करते हैं नंबर 6 जो है हमारी कौन सी सेल, अमीबोइडल सेल्स, अमीबा लाइक अमीबोइडल सेल्स, अमीबोइडल सेल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका जो एग्जांपल है वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और इनकी जो शेप होती है वो अमीबा लाइक होती है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। एक बार हम इसको थोड़ा क्विकली देखते हैं। सबसे पहला है राउंड एंड बाइकॉनकेव या डिस्कोइडल जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल इसकी जो शेप होती है वो डिस्क जैसी होती है। RBC, रेड ब्लड सेल्स, इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमारे ब्लड के अंदर इसका जो कलर होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। ये आपने लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में अच्छे से। राउंड एंड ओवल की हम बात करते हैं तो वो होता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। अगर हम लीफ का कट सेक्शन लेके उसके अंदर देखते हैं तो उसकी जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स हैं वो आपको कैसी दिखाई देती हैं, राउंड एंड ओवल। लॉन्ग एंड नैरो जो हमारे कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज हैं, टिश्यूज के वेरियस टाइप्स होते हैं जिसमें से कोलमनर एपिथेलियल सेल्स जिसकी हम बात करते हैं, एपिथेलियल एक टिश्यू है जिसका टाइप है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें कौन सी सेल्स हैं आपको पता है कि जो टिश्यूज हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं, तो कोलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं उनकी जो शेप होती है वो लॉन्ग एंड नैरो होती है। एंड लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, इसका जो एग्जांपल है वो नर्व सेल या न्यूरॉन है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका फंक्शन होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस को पहुँचाना। यानी हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स जो करती है
तो वो किसके थ्रू? मैसेजेस के थ्रू ही होता है। तो वो काम कौन करता है? हमारी न्यूरॉन सेल या नर्व सेल करती है। अमीबोइडल सेल्स, जिसका एग्जांपल है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इस जो अपना लॉकडाउन का ये जो टाइम पीरियड जो रहा है, इसमें एक बात कही गई है कि इम्यून सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं WBC, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जर्म्स, इनसे प्रोटेक्शन का काम होता है। इनकी शेप होती है वो एकदम अमीबॉइडल शेप्ड होती है, कोई इनकी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस, नाउ वी विल फर्दर। हाँ तो बेटा, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेल शेप के बाद में सेल साइज की बात। जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं उनकी अलग अलग साइज होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है उसकी बात करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहली जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, और इसका दूसरा नाम है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज है 0.12-0.3 माइक्रोमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है वो है बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग की जो सेल्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है उसकी हम बात करते हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बेटा वो होती है, उसका जो नाम होता है वो है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। नर्व सेल अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर इसकी जो लेंथ होती है वो है 1 मीटर। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों, सेल साइज के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। कि सर आप स्टार्टिंग से बता रहे थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट होती है, क्या क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक साइड में मैंने बनाया है प्लांट सेल और एक साइड में हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है प्लांट सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं बेटा सेल वॉल। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो क्या सर एनिमल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? बेटा बिल्कुल उनको ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एक जगह पे स्टैटिक हैं, उनको काफ़ी सारे प्रेशर्स जो बाय नेचर एडवर्स कंडीशंस हैं उनको फेस करना पड़ता है। इसलिए उनके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। दे कैन लोकोमोट, हाइड कर सकते हैं अपने आप को। तो इस वजह से उनके अंदर क्या है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर। इसके जस्ट नीचे आते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल। दोनों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बेटा अपन सेंटर में बात करते हैं। अब आ जाते हैं अपन, ये सेल कोट हो गया कि भाई प्लांट्स के अंदर आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल्स के अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके सेंटर में एक
तालाब सा दिखाई दे रहा है जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे सेंटर में एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, बट इन प्लांट सेल जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पेरिफेरी पे है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं, कुछ लेमिलर स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं जिसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे दोनों के अंदर जो ER है वो प्रेजेंट होता है। बाद में हम बात करते हैं इसके साइड में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट प्रोड्यूस ATP, जो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों को होती है। अब आपने बचपन में सुना होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो क्या है उनके अंदर ऐसा जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? तो उस ऑर्गेनल का नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट। सो दे आर ऑटोट्रॉपिक, तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस पे एक बार हम फिर से आते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन स्टोरेज का होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो थोड़ी पेरिफेरी की साइड में होती है इन द प्लांट सेल, बट इन एनिमल सेल जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साइड में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर हम गोल्जी बॉडी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं डिक्टियोजोम, जो हम प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इन सब के फंक्शंस अपन देखेंगे। राइबोसोम्स एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। साइटोस्केलेटन है वो भी प्रेजेंट होता है। परोक्सीजोम है वो भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोजोम यहाँ पे एनिमल्स में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में हम प्लांट लाइसोजोम को हम बोलते हैं स्पीरोजोम। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे ग्लाइओक्सीजोम भी प्रेजेंट है। इसके अंदर ग्लाइओक्सीजोम जो है वो एब्सेंट है। सेंट्रोजोम है जो ओनली एंड ओनली प्लांट सेल के अंदर ही एब्सेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम का जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन के टाइम जो हमारा क्रोमोजोम्स है उनको सेग्रीगेट करने का फंक्शन करता है। अब ये जो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखी इनके फंक्शंस तो हम देखेंगे, सारे ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम देखेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की। प्लीज ड्रॉ दी डायग्राम। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर देखी थी, अब हम इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर। तो सबसे जो प्राइमरी डिफरेंस है वो होता है कि हमने डिस्कस भी किया था सेल की जब स्ट्रक्चर्स देखी थी कि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका रीजन हमने देखा था, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेकेंड डिफरेंस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल इज एब्सेंट और स्मॉल, वैक्यूल इज एब्सेंट और स्मॉल, या तो एब्सेंट होगा या होगा तो भी बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं स्टार्च।
स्टोर्ड फूड जो होगा प्लांट सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड, उसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखी थी। सो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो यहां पे अपन देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट और यहां पे क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। यहां पे एक ऑर्गेनल और था, यहां पे जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, बट इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। यहां पे क्या होता है, सेल वॉल के अंदर हमने कुछ गैप्स देखे थे जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहां पे प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं सेल वॉल के बीच में, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा इज प्रेजेंट एंड हियर प्लाज्मोडेस्मेटा is absent। देखो हमने कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर्स देखी थी, जैसे ये था हमारी सेल वॉल थी कुछ इस तरीके की, यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमारी क्या थी, सेल वॉल थी, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो गैप था इसको हमने बोला था प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए, और भी होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतने सफिशियंट हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस। जो हमारा बेटा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की हमने स्ट्रक्चर देखी थी और उसके बीच में हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये प्रोकैरियोटिक सेल की है। तो सर क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है। तो अपन देखते हैं जब अर्थ बनी तो जो सबसे पहली सेल थी वो थी कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर कौन आते हैं, जैसे अर्थ बनी तो सबसे पहले हमारी अर्थ पे कौन आए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया थे जो हमारी अर्थ पे हुए आए। और उसके बारे में वो उसकी जो सेल है वो कैसी है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था उसी तरीके से देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेज हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी अगर सेल है तो उसकी कोई आउटर बाउंड्री होगी जिसको हम सेल कोट भी बोलते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक स्लाइमी लेयर होती है। सर स्लाइमी लेयर क्या होती है, स्लाइमी लेयर होती है बिल्कुल एकदम चिकना, जैसे आपने एलोवेरा देखा है उसके अंदर बिल्कुल एकदम स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है, कुछ एक ऐसी लेयर स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये थिक होती है और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये थिन होती है। देन इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बिलो टू द ग्लाइकोकैलिक्स क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो हमने देखा था, उसका भी सेम फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन ये अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। जो इसके अंदर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा भी होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच में कौन सा, जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा होता है बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको ये इसमें डेफिनेटली क्या होगा, एक तो इसके अंदर अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे और प्लस ग्लाइकेन मतलब सुगर, यानी अमीनो सुगर से मिलके बनी ये सेल वॉल होती है इसकी। इसके जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इस ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है ये। अब अपन बात करते हैं कि सर इसकी ये जो पूरा का ये तीनों मिलकर बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का सेल कॉट, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल हम शॉर्टली इनके फंक्शंस हमें ध्यान में रखने हैं, ओनली इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके अंदर आपको कुछ थ्री टाइप्स की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। कुछ तो एक ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको अपन बोलते हैं फ्लेजिला। फ्लेजिला के थ्री पार्ट्स होते हैं, नंबर वन फिलामेंट, नंबर टू हुक एंड नंबर थ्री इज द बेसल बॉडी। सर अब इसका फंक्शन, तो फ्लेजिला का जो फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन, वो होता है लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन या मूवमेंट, बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट करवाना, किसका फंक्शन होता है, फ्लेजिला का फंक्शन होता है। और यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं पिलाई। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर कुछ अपने तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है कि जैसे हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, दोनों मेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल है जो एग, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हर किसी का, आपको इतना डेफिनेटली पता होगा, हर किसी का जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक डीएनए आरएनए, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी न किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल क्या करती है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये सेल्स क्या करेंगी, आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको एक्सचेंज करती हैं। अब जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है तो क्या दोनों सेल्स को पास आना पड़ेगा, पास आने के लिए ये जो पिलाई है, इसको अपन पिली भी बोलते हैं, ये जो है ये आपस में क्या करती है, अटैचमेंट करवाने में हेल्प करती है दो सेल्स के बीच में। इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन कॉन्जुकेशन, कॉन्जुकेशन ट्यूब बनती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पर अपन इतनी डिस्कस करेंगे। कुछ ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिसका काम होता है मेनली अटैचमेंट का, किसी भी सरफेस से बैक्टीरियल सेल को अटैच करवाना, उसको हम बोलते हैं बेटा फिम्ब्री। और अब अपनी सेल कोट अपना पूरा कवर हो चुका, देन हम बात करते हैं एक समुंदर, एक तालाब जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक मेन एरिना है सेल का जहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इसके सेंटर में हम बात करते हैं कि इसका जो ये सेंटर है, यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसकी मैंने बात की थी, डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। जो हमने एनिमल सेल का डायग्राम देखा था उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, क्या ये वैसा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल था, कुछ धागे से पड़े थे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी और एक कुछ और भी स्ट्रक्चर थी, उसको अपन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक अलग ही स्ट्रक्चर है।
क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है न्यूक्लियोलस जो क्या होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. सो अनऑर्गेनाइज्ड और लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड. यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर एक ऐसी इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स. इसको हम क्या बोलते हैं मीजोजोम. आपको पता चल गया मीजोजोम. इसका फंक्शन मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ. तो मैन ये जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिख रही है और जो हमने दो सेल्स देखी थी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल उन दोनों को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंडर आती है. तो हम उसके बारे में बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और वो जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल देखी थी उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. इस सेल के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब खाली खाली दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे इस सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं. यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होते. ओके देन सर इनके फंक्शंस कैसे क्या होंगे. तो सर माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, क्या बैक्टीरिया को ATP नहीं चाहिए. बिल्कुल बेटा बैक्टीरिया को भी ATP चाहिए, लेकिन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रियल लाइक एक्टिविटीज़ कौन करता है, मीजोजोम. ये एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया के, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर है ये. कैसी स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे बेटा ये अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया. और यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं. ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. एंटीबायोटिक के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है. एंटीबायोटिक के लिए ये रेजिस्टेंस शो करती है. सभी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती. ओके देन हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम. और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री भी जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ एक RNA है, इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजोम. इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली पॉलीजोम्स. तो ये अपना बेटा डिस्कशन हुआ किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस. सो नोट डाउन दिस. हाँ तो बच्चों अब अपन आगे डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखी, अब अपन इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. ये जो सेल होती है ये साइज के अंदर स्मॉल होती है, ये स्मॉल होती है. और ये जो है ये क्या होती है, लार्ज होती है. इसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, लार्ज. इसकी साइज कैसी होती है, स्मॉल साइज. और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं लार्ज साइज. अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. और यहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. अब अपन बात करते हैं लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं. और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एंड न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा. इसलिए ये कैसा है, ये लेस डेवलप्ड है एंड ये वेल डेवलप्ड है. यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो होती है वो यहाँ पे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की. और यहाँ पे बेटा क्या होगा, जो सेल वॉल होती है बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंडर में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों आते हैं. तो सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर तो एब्सेंट होगी, बट इन प्लांट्स सेल वॉल जो होती है वो बेटा होती है सेलुलोज की बनी हुई. किसकी बनी होती है, सेलुलोज की. अब अपन एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे जो है राइबोसोम का. राइबोसोम सब में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है. उसको अपन ने प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला था. तो उसके भी टाइप्स होते हैं जिसके बारे में अपन राइबोसोम पढ़ेंगे, तो वहाँ बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा. तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो होता है 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट. और यहाँ पे जो राइबोसोम होगा बेटा वो होता है 80S टाइप राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम. S स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट, ये इसकी मेजरिंग यूनिट है. इसकी टू सब यूनिट्स होती हैं, इसकी होती है 50S प्लस 30S, इसकी होती है 60S प्लस 40S. इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे. यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. और यहां पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. यहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मैंने बोला था ना प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वो ओनली एंड ओनली अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, एब्सेंट होता है. और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा. यहाँ पे इनका जो डिवीज़न होता है वो सिंपल डिवीज़न होता है, और यहाँ पे इनमें जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है. सो यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस जो होंगे वो एब्सेंट होंगे. ये दोनों सेल डिवीज़न के टाइप हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस आर एब्सेंट. और यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस आर प्रेजेंट. सो ये हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे. So please note down this.